चलिए तो फिर आपको लेकर चलते हैं राजी माघी पुन्नी मेला। हम सब मनाया था वही कड़ी में राजिम में भी सैकड़ों साल से बाड़ा अतरिस्त पुजारी नाव में आए जाए पड़तरी से, लेकिन ये झूला बने के बाद अब न केवल पुजारी ल बल्कि आम पर्यटक ल श्रद्धालु मन ल भी सावन भादो के महीना में भी आसानी से भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन करे के लाभ मिली। और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण राम वन गमन पथ के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे राजिम, हमारे आस्था के केंद्र राजिम। वो मेला स्थल बने के बाद जहाँ आम नागरिक ल सुविधा हुई, बारह महीना वहाँ कथा भागवत अध्यात्म सत्संग ध्यान ये सब होत भी रही। और साथ साथ जिन हमार व्यवस्था से जुड़े हुए जतेक भी संगठन हैं, हमार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है, उग्रो मन के रहे के व्यवस्था आज हजारों के तादाद में अधिकारी कर्मचारी मन हमन पदस्थ कर देते, लेकिन ओकर मन के दिनचर्या में बड़ा परेशानी होते। और पर भी सर सुविधा युक्त वो मेला ग्राउंड ला बनाबो ताकि हमारे सबसे बड़े जन आस्था केंद्र राज्य में तिन कभी भी कोनो महीना में कोई भी कब को बड़े आयोजन हो वो आसानी से किए जाए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 6,000 करोड़ किसान के खाते में अलग जाते। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी के माध्यम से जेकर चर्चा आज पूरा
देश में वो थे, प्रधानमंत्री भी कहल पड़े हैं कि 10 मार्च के बाद गोबर खरीदी की व्यवस्था किए जाए। एक मतलब ये है कि जेल छत्तीसगढ़ में जन शुरुआत करें, हम तो साल 1.5 साल हो गए खरीदी करत, हरेली के दिन शुरू कर रहे हैं, अब फागुन तिहार हो गया है और कर 1.5 साल से ऊपर हो गए हम गोबर खरीदत, तो जेन काम हम छत्तीसगढ़ में करे हैं तेन काम ल आज दिल्ली की सरकार करे बर वही बात हो। गोबर से न केवल वर्मी कंपोस्ट बनाथन बल्कि अब पेंट भी बनाबो, बिजली उत्पादन करबो। पहले बड़े बड़े उद्योगपति मन बिजली बनाया उत्पादन करे बेचे काम करते थे, अब हमारे गांव के जिन गौठान में जिन स्व सहायता समूह है ते मन बिजली उत्पादन भी करी बेची और पैसा भी पाए। तो अब गांव गांव में जिन इंडस्ट्रियल पार्क बना था जिन हमारे पढ़े लिखे लड़का मन है नौकरी सब लोग मिल नहीं सका वहीं हम इंडस्ट्रियल पार्क में लड़का मन ट्रेनिंग भी देबो और वहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री भी लगाबो, तो आप मन के जिन पैसा है जिन उद्योग में भी लगाए तो आप केवल किसान भर नहीं बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी एक मजबूत कदम आप लोग उठाना है। जैसे आज हम बाड़ी योजना हम शुरू करें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, बाड़ी योजना में गांव गांव भले 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ में हमने बाड़ी लगाए लेकिन ओकर माध्यम से गांव के जिन महिला मन है स्व सहायता समूह के जिन सदस्य मन है उमल आधुनिक तरीका से कैसे ढंग से बाड़ी लगाना है उसका ट्रेनिंग हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मन सब करा थे, तो एकर से निश्चित रूप से आधुनिक तरीका से जिन सब्जी उत्पादन करे के काम ल चाहे मल्चिंग करे काम ड्रिप इरीगेशन चलाए काम उन दवाई और खाद कैसे ढंग से देना है वो सब के ट्रेनिंग भी होते, तो ये जिन वैज्ञानिक पद्धति से खेती के जिन बात है अभी हमारे मन के जिन बाड़ी है तेन डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर बन गए, कतेक बड़ा क्रांतिकारी कदम होते जिन बहुत ही शांतिपूर्वक होते।